ऑब्जेक्ट्स है, मतलब मुझे पहचान तो ये बॉटल है या ये पिंजरा है या ये मटका है, ऐसे शुरू होती है। लेकिन आप पेंटिंग जैसे देखते जाओ तो आप भूल जाते हैं कि अच्छा ये वो इसका कोई भी संदर्भ इसमें नहीं है, ना उसमें इमेजिन है, ना उसके जो रिलेटेड ड्राइंग नहीं है उसका, उसका उसका जो मुँह है बॉटल का है, जो टेबल है उसका, उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिखा भी एक आइडेंटिटी उसमें है कि हाँ ये यहाँ से शुरू हुआ है पेंटिंग, और आपको एक और किसी अलग अनुभव तक वो लेके जाता है। तो मंदिर में हम हैं और जो पत्थर का मंदिर है उसमें अंधेरा है और एक घंटी बजती है, उसकी आवाज़ गूंजती रहती है। मैं अगर मैं कहूँ कि मुझे भी ये आवाज़ मुझे पेंट करनी है तो मैं घंटी का चित्र नहीं निकाल सकता हूँ। घंटी का चित्र निकाल सकता हूँ, उसमें डायमेंशन आएगा, उसमें क्या लाइट कहाँ से दिखाऊँ, उसका डायमेंशन कितना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ वो तो नहीं है, तो मुझे और कुछ करना पड़ेगा ताकि मुझे वो जो गूंज है वो गूंज के मौसम महसूस होनी चाहिए। तो मुझे और कुछ करना है, जो और कुछ जो करना है ना, ये मुझे लगता है कि ये इस तरीके से सोच ये पेंटिंग में कहीं मुझ में आ रही थी। और जो अवकाश होना है, मैं कहता हूँ मैं कभी भी अकेले में बैठता हूँ सोचता हूँ कि अवकाश क्या होगा, ये तो कोई मुझे कहीं कोई ऊँचे टीले पर बैठ के मैं दूर देखा हूँ, अवकाश ये अवकाश में नहीं है, ये अवकाश मैं सोचता हूँ ये अवकाश ऐसा है जो पेंटिंग मुझे अनुभव कर रहा हूँ मेरे पेंटिंग में, और मैं कुछ अवकाश में होते जा रहा हूँ, मैं खुद को भी स्पर्श नहीं कर सकता हूँ, ऐसा एक अवकाश होना, खुद का अस्तित्वहीन होना, ये जो महसूस करना है, जो अवकाश में होना, ये इसके निकट मुझे बहुत ज़्यादा है। और मुझे पेंटिंग में मैं वो महसूस कर रहा हूँ, पेंटिंग जब कुछ पेंटिंग पूरी हो जाती है तो मुझे लगता है कि ये अनुभव कुछ मुझे हुआ है ऐसे, और हर एक्सपीरियंस अलग हर पेंटिंग का, लेकिन ये कुछ तो भी है, ये यूनिक है, ये इसका एक मर्म है पेंटिंग। कड़ी धूप में हम लोग जब कुछ चीज़ें देखते हैं, मुझे भी पुरानी यादें आती है, कुछ मेमोरीज, कुछ विजन्स मेरे दिमाग में जो पक्के, जैसे मैंने कहा कि बचपन से बैठे हुए एक चीज़ को मैं धूप में देख रहा हूँ, इतनी उसमें क्लैरिटी है दिखने में उस चीज़ के, कि मैं दूसरा नहीं सोच सकता। मैं अगर एक ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ, एक बुक देख रहा हूँ, तो बुक ही दिखेगा मुझे। जैसे कि शाम के वक्त मैं कुछ रस्सी देखूँ तो मुझे समझ ये सांप तो नहीं है, ऐसा नहीं होगा, इतना क्लियर लाइट में मैं वही ऑब्जेक्ट उसका वही देख रहा हूँ, मुझे दिमाग में दूसरा कुछ नहीं आ रहा है। ये जो होना है ना, ये होना, ये मेरे आकार से कहीं तो भी रिलेट होता है। ये अभी पुराना पेंटिंग अभी देखता हूँ तो उसकी जगह मुझे लगता है कि बराबर है, अभी आज भी मुझे स्ट्रांग लगता है, लेकिन प्रोसेस में मुझे ऐसा लगा, और फिर थोड़ा एलिमेंट्स उसमें ऐड होने लगे, दूसरे एलिमेंट्स, जैसे मैंने कहा कि जो आकार है, जिस जहाँ से वो आकार आया है, जिसके रेफरेंस है, उसके रेफरेंसेस उसमें इम्पोर्टेंस उसका बढ़ने लगा, उसके अलग अलग उसके स्तर, उसका मिक्सिंग साइकोलॉजिकल लेवल पे होगा या विजुअल लेवल पे होगा, ये सब उसमें आ रहे हैं। और थोड़ा मटेरियल यूज़ करना मैंने शुरू किया था उसमें, जैसे जो इंस्टॉलेशन का काम किया था वुड में किया था, कुछ पेंटिंग्स में मैंने वुडन पैनल में थोड़ा उसे रिलीफ में ऐसे काम किया, कुछ स्कल्पचर है दिमाग में करना है। मैं कहीं तो भी मेरे खुद के रेफरेंस के तरफ जा रहा हूँ, मेरे सोसाइटी, जो सोसाइटी में मैं रहता हूँ, जो मेरे लिविंग है, जो सामाजिक स्तर है, ये सब मुझे लगता है कि ये काम मेरा यहाँ के सामान्य आदमी के उस तक पहुँचे, क्योंकि मैं रेफरेंस मेरे हैं, अगर मेरे रेफरेंस से मैं मेरे ही अनुभूति के कारण ज़्यादा क्लियर होते जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है एक दिन एक सामान्य आदमी भी कहेगा कि अरे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और जितना इंडिविजुअल होते जाएगा और जितना सक्सेसफुल लगे इंडिविजुअल है, उतना वो यूनिवर्सल होना भी है उसका, होता ही है ऐसा मुझे लगता है। तो उसकी मुझे फिक्र नहीं है कि कहीं किसी को अपील हो या ना हो, तो मुझे सबसे पहले मुझे अपील होना इम्पोर्टेंट, मैं एक पार्ट हूँ समाज का, तो मुझे अपील होगा दूसरों को जरूर होगा, मेरे बाजू बाजू के लोगों को, और मुझे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि सामान्य आदमी तक मेरा काम है।